तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए निशा जी, शादी कैंसल? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? अरे वो छोड़िए, इस बार कैंसल क्यों ये बताइए। सर, उनको उनके पड़ोस में ही रिश्ता मिल गया और वो लोग उनको पहले से ही जानते थे, इसलिए उन लोगों ने उस रिश्ते को हाँ बोल दिया। अरे तो मुझे बोला होता तो मैं उनके पड़ोस में घर ले लेता, पर उससे भी ज्यादा घर जमाई बन जाता। सॉरी सर। अरे आप कैसे कैसे रिश्ते ला रहे हैं मेरे लिए जो 15 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं है। सॉरी सर। इसमें और किसी की गलती नहीं है, मुझे पता है इसमें किसकी गलती है। इसकी। अरे तेरी एंट्री होते ही लड़की वालों की मेरे जीवन से एग्जिट हो रही है। अरे मुझे ना छोड़ने की तेरी जिद की वजह से मेरे रिश्ते कैंसिल हो रहे हैं। अरे 2 बार तुझे घर से बाहर भेजा और तू फिर वापस आ गई। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं तुझसे। काम करता हूं, अंजना जी को ही फोन करता हूं, वो कोई रास्ता बताएंगी। पोपटलाल जी। हाँ पोपटलाल जी, बोलिए, मिल गया आपकी शेरवानी से छुटकारा? कहाँ, 2 बार कोशिश की लेकिन ये घूम फिर के मेरे पास वापस आ ही जाती है। हाँ, भटकती हुई आत्मा की तरह मेरे पीछे पड़ी है। ये आपकी शेरवानी तो बड़ी जिद्दी है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो? आप एक काम कीजिए, इसे अपने हाथों से अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। क्या, मैं खुद इसे उठा के अपने घर के बाहर फेंक दूं? लेकिन आपने बोला था ना कि किसी और के जरिए इसे छुटकारा पाना। हाँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जब तक कि आप इसे अपने हाथों से घर से बाहर नहीं फेंकेंगे ना, तब तक कि आपको इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और हाँ, जल्दी से इससे छुटकारा पा लीजिए, वरना पता नहीं और कितनी बाधा डालेगी आपकी शादी में ये। अभी के अभी इसे घर से बाहर फेंक दीजिए। ठीक है अंजना जी, मैं अभी के अभी शेरवानी को मेरे घर से बाहर फेंक देता हूँ। थैंक यू। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तुझे बालकनी के बाहर फेंक देता हूँ, फिर तुझे उठा के जिसको तेरे साथ जो करना है करे, लेकिन मेरी बला तो टले। अब एक मिनट भी तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी। आप ठीक हो? क्या हुआ, क्या था? ये शेरवानी आपके सर पे थी। भीड़ भाई, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आप दोनों को चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। भीड़ भाई, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे हुआ कैसे क्या, जब फील्डी मास्टर शेरवानी सर पे पहन के स्कूटर चलाएगा तो ऐसा ही होगा ना? बाबा स्कूटर नहीं, सखाराम चाचा जी। हाँ भाई सखाराम, लेकिन तू शेरवानी सर पे पहन के सखाराम क्यों चला रहा था? अरे शेरवानी सर पे कौन पहनता है चाचा जी, मैंने शेरवानी सर पे नहीं पहनी थी, किसी ने मेरे ऊपर फेंकी थी। हाँ चाचा जी, मैं तो सखाराम लेके वहां से आ रहा था तो अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो अभी पता चला कि शेरवानी किसी ने मेरे ऊपर फेंकी थी, तो इसकी वजह से मेरा वो ये हाथ ऐसे ऐसे हो गया और ये हादसा हो गया। बाप रे, सखरम को तो कोई चोट नहीं आई ना? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं। अरे भीड़ भाई चिंता मत कीजिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे सखरम का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्ली मास्टर ये सखरम मुझे ठोक देता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे झगड़ा मत किया करो आप। हाँ, किसी ने शेरवानी फेंक के गुस्सा निकाला अपना। अरे
एकदम करेक्ट बोला है माधवी आंटी ने, वो तो हम लोग बच्चे हैं इसलिए आपकी डांट सुन लेते हैं, वरना जमाना बहुत बुरा है मेरे अंकल, किसी ने जरूर बदला निकाला है। अरे आज तो आप पे किसी ने शेरवानी फेंकी है, कल किसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए आपको मटका फेंक के मारा, तो ये जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है ना उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा गोकुला में ऐसी हरकत नहीं करेगा वो। अरे तू क्या, मैं भी उसे लाइन पर लेके आऊंगा। अरे दिन दहाड़े किसी पे ऐसे कोई शेरवानी फेंकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अरे किसी पे नहीं, सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी पे फेंकी है शेरवानी। अरे शेरवानी कोई फेंकता है? वो तो पहनने की चीज है। हाँ बराबर है। अरे खड़ा क्या है बिल्ली मास्टर, पूछ ले किसने फेंकी है शेरवानी। किससे पूछेंगे चाचा जी, सामने थोड़ी आके कोई बताएगा कि हाँ मैंने फेंकी है शेरवानी। हम लोग पता लगा के रहेंगे। भेड़ भाई ये बताइए कि जब शेरवानी आप पे गिरी तो आप कौन से रिंग के पास थे? मैं वहां से आ रहा था तो हाँ सी विंग के सामने था। ये मुझे पता चला शेरवानी किसने फेंकी है। कौन? अरे सोसाइटी में शेरवानी पहनने की उम्र सिर्फ एक ही आदमी की है, पोपट लाल की। मतलब उसी ने मेरे ऊपर शेरवानी फेंकी है, क्योंकि सीविंग से आई ना मेरे ऊपर शेरवानी, पोपट लाल ने फेंकी है शेरवानी। पोपट अंकल, कम ऑन भिड़े भाई, पोपट लाल भाई अपनी शेरवानी क्यों फेंकेंगे? हाँ पोपट भाई को उनकी शेरवानी बहुत प्यारी है। सिर्फ शेरवानी ही नहीं, शादी से जुड़ी हुई हर चीज उसे प्यारी है। हाँ exactly, किसी और ने फेंकी होगी शेरवानी, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। हाँ उनको क्या मिलेगा आप पे शेरवानी फेंक के? सेक्रेटरी पर सोसाइटी का। हाँ वो बार बार मेरा इस्तीफा मांगते रहता है ना। आज सुबह सोसाइटी में वो क्या बोल रहा था कि सकारम की जगह बदलो, यहाँ से वहां रखो, अगर तुम्हें सकारम की जगह नहीं बदली तो मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बदल दूंगा। कायतरी बोलता है, पोपट भाव जैसा क्यों करेंगे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं ऐसा। अरे क्या नहीं करेंगे, मेरे पास सारे सबूत है। सबूत नंबर एक, ये शेरवानी सी विंग से मेरे ऊपर आई है। सबूत नंबर दो, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा आज। ये डिब्बा पत्रकार होके ऐसा उल्टा सीधे काम करता है, आज तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शेरवानी फेंकना तो क्या पहनना भी भूल जाएगा। बुलाओ उस डिब्बे को नीचे। बुलाते ना ये। अरे बाप रे, शेरवानी नीचे फेंकने के चक्कर में बुरा फंस गया, अगर नीचे गया और गलती मानी तो बुरा हाल होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कुछ भी हो जाए मैं नीचे नहीं जाऊंगा। पोपट लाल, हाँ पोपट लाल, पोपट लाल, चाचा जी चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद जरूर अपने पिंजरे में जाके छुप गया है वो, बाहर नहीं आएगा। पोपट लाल, सॉरी क्या, चल उसके घर पे आते हैं, दरवाजा तोड़ के उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं। दरवाजा तोड़ने के कैसे चाचा जी, लेके अरे तू अपने पैरों से ऐसे तोड़ देना, नहीं तो कंधों से तोड़ देना। चल तोड़ो, चक्कर में मेरी हड्डी टूटेगी ना। मैं हूँ ना। अच्छा आप तोड़ेंगे दरवाजा? नहीं नहीं, जोड़ूंगा हड्डी। अहो हो सकता है पोपट भाऊजी घर पे ही ना हो। हाँ भेड़े भाई, आप पोपट भाई को फोन कर दो ना, पता चल जाएगा कि वो घर पे है कि नहीं है। लेकिन अगर उसने फोन नहीं उठाया तो? अरे नहीं उठाया इसका मतलब वो घर में ही छुप के बैठा है, तू फोन लगाना। हाँ कर दो, ये पकड़ दो। लगा? रिंग जा रही है। लगा? रिंग जा रही है। लगा? रिंग जा रही है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, उठा नहीं रहा है वो। रिंग जा रही है। समझ गया। रिंग जा रही है। मतलब वो घर में ही छुप कर बैठा है। हेलो भिड़े मेरे दोस्त, कैसा है तू भाई? दोस्त? अरे कैसा दोस्त, दुश्मन न करे दोस्त, वो काम किया है मेरे ऊपर शेरवानी क्यों फेंकी, और यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाता तो
मेरे सकार को लग जाता तो चाचा जी को लग जाता तो एक मिनट, कौन सी शेरवानी? मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ। चाचा जी तो घर पे ही नहीं है। अरे जहाँ पर भी है वहाँ से बुला और उसे पूछ शेरवानी क्यों फेंकी, क्यों फेंकी है? चाचा जी मैंने कहा वो ऑफिस में है, वो घर पे नहीं है, वो शेरवानी कैसे फेंक सकता है? वो शेरवानी फेंक के ऑफिस निकल गया होगा। पर कैसे हो सकता है चाचा जी, भले उसका नाम पोपट है लेकिन वो उड़ के नहीं जा सकता ना, हमारे सामने से ही जाएगा यहाँ से। हाँ वो सच बोल रहा है। पर भिड़े हाँ तेरे मुंह पे, तेरा मतलब है सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी के मुंह पे शेरवानी किसने फेंकी, ऐसा कैसे चलेगा? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि शेरवानी मेरे मुंह पे फेंकी? अरे अभी तूने ही तो बताया मुझे, वरना मुझे कैसे पता चलता? हाँ वो भी है, लेकिन देखना पोपटलाल उस शेरवानी फेंकने वाला को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी। अच्छा भिड़े तू शेरवानी का अब क्या करेगा? क्या करूंगा? अरे इस शेरवानी को ना मैं कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा। इतनी महंगी शेरवानी को कचरे के डिब्बे में डालूंगा ना तभी उस फेंकने वाले को अकल आएगी। पर भिड़े वो शेरवानी को सोसाइटी के कचरे के डिब्बे में मत फेंक। क्यों? अरे भाई शेरवानी के वापस आने का खतरा है ना। ऐसे नहीं, मतलब क्या है कि अगर तूने सोसाइटी के कचरे के डिब्बे में शेरवानी को फेंका तो उसके मालिक को शेरवानी वापस मिल सकती है ना, और तेरे मुंह पे फेंक सकता है। अगर कहीं दूर फेंकेगा तो उसको वो शेरवानी वापस मिलेगी ही नहीं। हाँ नहीं नहीं ये अच्छा आइडिया है, ऐसी जगह फेंक के आऊंगा ना कि जिंदगी भर शेरवानी वापस मिलेगी ही नहीं। उसको चाहिए भी नहीं है। तेरा मतलब है उसको नहीं चाहिए होगी तभी उसने कचरे के डब्बे में फेंकी होगी ना। हाँ बरोबर है, फेंक दे उसे दूर फेंक दे, उसको यही सजा मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है ऐसे ही करूंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है। क्या खामखा पोपट भौज भी शक कर रहे थे आप? हाँ वो बेचारे तो बेकसूर है। ये बिल्ली मास्टर है ये सब। बात को जाने हल्ला मचाना शुरू कर देता है। कमल है चाचा जी, आप भी तो भड़क रहे थे थोड़ी देर पहले। तो तेरी वजह से मुझे गलतफहमी हो गई थी। आज को मैं बेचारे पोपट बेटे को भला बुरा कह दिया मैंने, जबकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। हाश, शेरवानी के चक्कर में शादी तो नहीं हो रही थी, आज सार्वजनिक पिटाई हो जाती। बस अब वो शेरवानी जल्द से जल्द किसी कुंवारे के हाथ में पड़ जाए। पोपटलाल जी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो मुझे अभी पता चला, मेरा दिशा यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब मैं आपके घर का वास्तु देखने आई थी ना तब भी ये खराब था और ये उल्टी दिशा दिखा रहा था, तो बाधा आपकी शेरवानी में नहीं है, किसी और चीज में है। क्या बोल रही हैं आप? मतलब मेरी शेरवानी मेरे घर पर रहेगी तो मेरी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। आपने वो शेरवानी किसी को दी तो नहीं ना? अब इनको क्या बताऊं कि शेरवानी मेरी जान के दुश्मनों के हाथ में है। आई एम सॉरी। हेलो। अरे क्या सॉरी, आपकी गलती की सजा मेरी प्यारी शेरवानी को भुगतनी पड़ रही है। मतलब? मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे बाप रे, बेड़े को शेरवानी को कचरे के डिब्बे में फेंकने से रोकना पड़ेगा। हाँ माधवी, इसकी जगह कचरे के डिब्बे में ही है और वहीं उसे फेंक के आऊंगा। बेड़ा शेरवानी को लेके निकल रहा है। बेड़ा रुक 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 बेड़ा 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 रुक 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 बेड़ा रुक रुक रुक। पोपटलाल तुम यहाँ से? अरे तुम तो ऑफिस में थे ना? नहीं तो क्या? नहीं तो मैंने जब फोन किया तो तुमने बोला ना कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तूने गलत सुना था बेड़े, मैंने बोला था मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मतलब तुम घर पे ही थे? घर पर ही ऑफिस का काम कर रहा था। अभी ये हल्ला गुल्ला सुना तो मैंने सोचा पता कर लूं क्या हुआ है। ये तो हल्ला गुल्ला तो कब से हो रहा था, कब से हम लोग चिल्ला भी रहे थे पोपटलाल पोपटलाल, तब तुम नहीं आए।
पहले क्यों नहीं आए? ऑफिस में थे, घर पे थे, ये सब छोड़ना पाए। तू ये बता ना, हल्ला क्यों हुआ था? अरे शेरवानी की वजह से। ये मेरे ऊपर किसी ने शेरवानी फेंकी थी। हाँ। ये शेरवानी थी? हाँ। ये? अरे ये तो कितनी मस्त शेरवानी है। ऐसी शेरवानी कोई कैसे फेंक सकता है? बेटा तू एक काम कर, ये शेरवानी मुझे दे दे, ये मेरे काम आए। अरे क्या काम आएगी? तुमने मुझे फोन पे बोला था ना कि कहीं दूर फेंक के आना, वापस मालिक को मिलनी नहीं चाहिए, और अभी ऐसा बोल रहे हो? तभी मैंने शेरवानी को देखा नहीं था ना। कितनी अच्छी शेरवानी है, मुझे दे दे, मैं इसे शादी में पहनूंगा। आ जाओ। छे छे, क्या क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? किसी की फेंकी हुई शेरवानी तुम शादी में पहनोगे? मैं तुम्हें नहीं पहनने दूंगा। दे दे भाई, शेरवानी शेरवानी होती है। एक कुंवारे के लिए शेरवानी का क्या महत्व होता है तू नहीं समझ पाएगा। अब निकाय मिनटे आहो, पोपट भौजी को दे दीजिए ना शेरवानी। हाँ वैसे शेरवानी पोपट भाई पे अच्छी लगी। हाँ एक्चुअली। हाँ देख, सबकी यही मर्जी है, ला दे दे शेरवानी, दे दे। नहीं नहीं नहीं, मैं फैसला ले चुका हूँ पोपटलाल कि ये शेरवानी कचरे के डिब्बे में ही जाएगी। मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि सोसाइटी में किसी में भी कोई चीज नहीं फेंक सकते। बराबर है, ऐसा कोई थोड़ी शेरवानी फेंक सकता है। खबरदार भिड़ा, शेरवानी फेंकी है तो। कमाल है पोपटलाल, तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो शेरवानी की? तुम्हारी है क्या? है? नहीं नहीं। ये भगवान क्या करूं? कैसे रोकूं भिड़े को? अभी सबके सामने बोला कि शेरवानी मेरी है तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं नहीं रुकने वाला। माफी माफी चाचा जी, अरे इसको समझाइए ना। पोपटलाल हट जाओ। रुक पोपटलाल, अरे अरे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत इस वक्त पोपटलाल पे बिल्कुल फिट है। एक छोटे से दशा यंत्र ने पोपटलाल के जीवन की दिशा बिगाड़ दी, और वो भी उस दिशा यंत्र ने जो खुद दिशाविहीन है। दिशा यंत्र ने कहा कि भाई पोपटलाल की शादी में अड़चने जो है वो शेरवानी की वजह से है। तो पोपटलाल ने किसी भी तरह से शेरवानी से पीछा छोड़वा दिया, लेकिन जब ये पता चला कि शादी में तमाम बाधाएं शेरवानी की वजह से नहीं है, तो वो वापस पाने के लिए बेताब है कि शेरवानी किसी तरह से मिल जाए। लेकिन जिस तरह से चाचा जी और भिड़े को परेशानी हुई है, मुझे नहीं लगता कितना आसान होगा शेरवानी वापस पाना। वास्तु शास्त्र कितना सही है कितना नहीं ये तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये बात पोपटलाल को भी समझ में आ गई है, लेकिन शेरवानी जाने के बाद, अब शेरवानी वापस पाने के लिए पोपटलाल क्या क्या तिकड़म में भिड़ाता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.